हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस, दिस इज श्रीराम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। और आपके सामने ये जो प्रोजेक्ट है ये है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ बीएलडीसी मोटर, ब्रशलेस मोटर भी हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने जो बीएलडीसी मोटर लगाई हुई है ये हमारे कंप्यूटर की फ़ैन है। इस पर एक बार फोकस करें, कंप्यूटर की फ़ैन है जो ब्रशलेस मोटर है, इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे हैं। स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पोटेंशियोमीटर लगाया है, जिसको हम अगर लो स्पीड पर ले जाते हैं तो आप ध्यान से देखिए हमारे मोटर की स्पीड यहाँ पे कम हो रही है, मोटर की स्पीड हमारी कम हो गई। एंड उसके साथ ही साथ मैंने एक डिस्प्ले पैनल डाला हुआ है जो कि आपकी ओएलईडी डिस्प्ले है, जिसपे आपको आरपीएम लिख के आ रहा होगा। ठीक, ये ओएलईडी डिस्प्ले रखी हुई है जो आरपीएम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ एक ईएससी कंट्रोलर का सेटअप हम लोगों ने लगाया है जो मोटर को ड्राइव करने के लिए, हमारे बीएलडीसी मोटर को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देन अगर हम ओवरऑल हम बात करें तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में एक आर्डिनो बोर्ड इस्तेमाल किया है जो कि एज अ माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे काम कर रहा है। इस आर्डिनो बोर्ड से ही हम कॉन्फिगर कर रहे हैं और इसी आर्डिनो बोर्ड के थ्रू ही हम अपना आरपीएम कंट्रोल कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले करा रहे हैं ओएलईडी पे। और जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है वो 5 वोल्ट की सप्लाई लेता है, डेट विल बी इन अ डीसी फॉर्म। तो यहाँ हम लोग, लेकिन 5 वोल्ट जो सप्लाई है वो अपने रेगुलेटर से खुद कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसी से डीसी कन्वर्टर का एक सर्किट डाला हुआ है जिसे हम रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं, और विद अ फिल्टर है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो फिल्टर का भी काम हो रहा है। वही डेटा उठा के हम लोगों ने अपने माइक्रो कंट्रोलर में आर्डिनो में डाल लिया। देन उसके बाद ये सारी डेटा हम उठा के ईएससी के थ्रू, ईएससी कंट्रोलर यहाँ पर डाला, ईएससी कंट्रोलर के थ्रू बीएलडीसी मोटर में डाल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग हमने डिस्प्ले पैनल पे भी डेटा गैदर किया है। अभी हमारी आरपीएम जो है 165 है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो देखो फैन की स्पीड आपकी बढ़ जाती है। ठीक, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो बीएलडीसी स्पीड कंट्रोल एंड डिस्प्ले ओवर द ओएलईडी, ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।